Very good morning, students. Welcome to Expert Faculty Zone. Today, again, we are here for you to discuss the next topic of Fundamentals of Partnership, Chapter 2, Accountancy, Class 12. So, new topic is there for you all, interest on loan. Let's know how do we deal with the interest on loan. अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उससे हम कैसे डील करेंगे. कभी कभी फर्म को पैसे की जरूरत होती है. इनफैक्ट फर्म को पार्टनर से कैपिटल के फॉर्म में पैसा नहीं लेना, मींस कैपिटल इंक्रीज नहीं करनी है, टेंपरेरी अरेंजमेंट करना है फंड्स का. फॉर द टाइम बीइंग लोन की जरूरत है. देन द फर्म आस्क द पार्टनर्स टू ग्रांट लोन टू द फर्म. तो पार्टनर जिस किसी को भी अमंग द पार्टनर्स फर्म को लोन देना होता है वो अपनी मर्जी से फर्म को लोन पे कर देता है. अब इस पर इंटरेस्ट पेएबल होता है. इस पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली पेएबल होगा क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो पार्टनर लोन क्यों देगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज लेवीड ऑन द लोन ग्रांटेड बाय द पार्टनर टू द फर्म. ये हमारा हुआ. इस पर जो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन. इस पर मिनिमम 6% से इंटरेस्ट होता है. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. ये क्या है? चार्ज है, मीन्स खर्चा है. खर्चे से मतलब क्या है? चार्ज से क्या मतलब है? चार्ज मींस इट इज अ थिंग व्हिच विल बी पेड बाय द फर्म इन एनी केस नो मैटर वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉसेस. चार्ज मींस खर्च है, यानी खर्चा तो इंसान को हर हाल में करना ही होता है नो मैटर कि हमारी पॉकेट में मनी है या नहीं है. एनी हाउ खर्चा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ईट मींस वी विल ईट. अगर खाना खाना है तो खाना है. इससे मतलब नहीं है कि हम किसी दिन पैसा अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सपोज वीकेंड सैटरडे संडे आर देयर जिनमें हम पैसा नहीं कमाते बट वी ईट. हम खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं और हम पार्टीज भी अटेंड करते हैं, लेन देन भी करते हैं, गिफ्ट वगैरह भी पे करते हैं, दुनिया के सारे काम होते हैं. सिर्फ पैसा कमाते नहीं है, अर्निंग नहीं होती है. ऐसे ही बिजनेस में है. बिजनेस को जो खर्चा करना है वो करना ही है. चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ये खर्चा है जो बिजनेस जरूर करेगा, चाहे बिजनेस को फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो. इन ऑल द केसेस फर्म यह खर्चा करेगा. दस इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. इसको हम क्या करते हैं फिर? इसलिए हम इसको डेबिट कर देते हैं. कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. फर्दर वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स हु हैड गिवन लोन टू द फर्म. अगर हम पार्टनर्स की बात करें जिन्होंने फर्म को लोन दिया है, गिवन लोन टू द फर्म, इट इज द इनकम. उनकी इनकम हो रही है. उनकी इनकम क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने फर्म को लोन दिया था, उस पैसे पर उनकी इनकम हो रही है, वो पैसा कमा रहे हैं. सो इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो दो जगह जाएगा. इसको हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरी चीज क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर, कंसर्न पार्टनर के लोन अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर देंगे. रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी. फर्स्ट थिंग टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन. जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन IOL प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. हमने IOL को डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो गया. एक नया अकाउंट खोला हमने इंटरेस्ट का. काय का? इंटरेस्ट का. नया अकाउंट ओपन कर दिया और पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू. बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू यहां पर हमारा ड्यू हो जाता है, मींस आ जाएगा. लोन अकाउंट ट्रांसफर कर लेंगे. दूसरी एंट्री To close the interest on loan account. जब partners का जो loan account है उस पर जो interest हमने interest का account create किया था, open किया था, अब उसको हम close करेंगे. तो यहाँ पर PL account debit हो जाएगा, profit and loss account debit to interest on partners loan account. Being interest on
loan charged या debited to PL account कुछ भी लिख सकते हैं. Next. After passing the general entries, अब हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है. यहाँ पर पहले according to Indian Partnership Act हम जो partnership account बनाते हैं इसको हम follow करते हैं. इसके लिए कानून Indian Partnership Act 1932, partners loan will be settled first. partners loan का पहले settlement होगा. अगर firm बंद हो रही है, business बंद हो रहा है, तो पहले हम partners loan pay करेंगे, बाद में capital pay करेंगे. before making the payment of the capital of the partners. In the absence of partnership deed, यदि partnership deed silent है, हर चीज में discuss कहाँ होती है? partnership deed में, जो कि हमारा internal constitution होता है business का firm का. interest on loan will be provided at rate of 6% per annum. interest on loan जब हमारा discussion होगा, mutual understanding होगी, partnership deed बनेगी, वहाँ पर interest on loan का percentage हम पहले ही लिखवा लेंगे कि partners को loan पर interest कितना मिलेगा, whether it will be at rate of 9% or 10% or 15%, हम वही लिखवा लेंगे. अगर deed silent है, means कि deed है ही नहीं, लिखा हुआ है ही नहीं, absence of deed, deed हमने की ही नहीं है, तो यहाँ पर 6% interest charge किया जाएगा loan पर. Next. It is debited to profit and loss account. इसको हम debit करेंगे PL account में. Though earlier it was practiced to debit it to profit and loss appropriation account. अब हम इसको PL account में debit करते हैं. जबकि पहले ये debit होता था कहाँ पर? PL appropriation account में. लेकिन धीरे धीरे समझ में आया और फिर ये practice start कर दी हमने कि इसको debit करें PL account में. समझ में क्या आया कि PL appropriation account जो है ये बनता है for the partners to distribute the profit. इस ये बनता है, नाम ही इसका appropriation है. appropriation means allocation, distribution, division of profit among the partners. इसके through हम सिर्फ profit distribute कर सकते हैं, firm का कोई खर्चा इसमें show नहीं कर सकते. तो इसलिए अब हमने इसको यहाँ पर दिखाना बंद कर दिया. now it is the practice which is followed all over India to debit it to profit and loss account. it is credited to partners loan account. अब हम इसको partners loan account पे credit कर देते हैं. पहले ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रिएट हुआ करता था. पहले से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि अभी ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. डेबिट होगा पीएल अकाउंट में, क्रेडिट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में. नाउ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग आईओएल, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, हैज बीन चेंज एंड इट इज मोर एप्रोप्रिएट, अब ज्यादा बेहतर है. सिंस इंटरेस्ट पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि वो चीज है जो कि प्रॉफिट को डिक्रीज कर देती है. चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को डिक्रीज कर देती है, एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जांपल. सपोज साक्षी जी हैं, इन्होंने फर्म को लोन प्रोवाइड किया ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, डेट गिवन है 1st ऑफ अक्टूबर को लोन पे कर रही है ये 2020 में, ऑफ रुपीज 1 लाख फर्म को लोन दे रही है. इट वॉज एग्रीड दैट आईओएल विल बी अलाउड एट रेट ऑफ 9%. यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ एग्रीड मींस के डीड है और डीड में लिखा है कि हम लोन 9% देंगे. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च ईच ईयर, पास द एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स. अब हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट दिखाना है. अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम इसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स विल बी, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि लोन लिया था, कितना लिया था. सो उसके लिए एंट्री क्या होगी, वी विल पुट द डेट, किस डेट में इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था. द डेट विल बी एंटर्ड इन द डेट कॉलम, देन वी विल मूव ऑन टू पर्टिकुलर्स कॉलम. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि पैसा आया फर्म के पास, पैसा आया कहां से, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, तो लिखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. डेबिट टू साक्षी लोन अकाउंट, साक्षी के लोन अकाउंट में यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जो बिजनेस के अंदर नहीं था. न्यू अकाउंट विल बी ओपन to Sakshi's loan account, being loan raised from Sakshi, debit and credit both the columns में 1 lakh rupees हम यहाँ पर लिख देंगे. अब जब हमारा accounting year close होगा, तब close होना है 31st मार्च each year. 31st मार्च 2021 में जाके accounting year हमारा close हो रहा है, ये date है आपकी. इसमें अब हम क्या करेंगे, इस लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे, साक्षी का लोन जो था इस पर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे. तो इंटरेस्ट क्या होगा, पहले इंटरेस्ट हमारा डेबिट हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन साक्षी लोन अकाउंट डेबिट टू साक्षी लोन अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है फर्म के लिए, इसलिए फर्म ने खर्चे को डेबिट कर दिया। फर्म क्या करेगी? रिकॉर्ड अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेगी, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स। फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो कहां पर डालना है? लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट क्या है? लायबिलिटी है फर्म के लिए, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब 9% से इंटरेस्ट चार्ज किया, अमाउंट कितना था? 1,00,000 रुपीज। इसका 9% कितना आना चाहिए? 9,000 आना चाहिए। लेकिन डू रिमेम्बर, हमने यहां पर लोन दिया है 1st of October को, ये है 1st October, ईयर क्लोज हो रहा है 31st March। कितने मंथ हुए? अक्टूबर से मार्च तक होते हैं 6 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 6 months आर देयर। 6 महीने हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जितने महीने फर्म हमारा पैसा यूज करेगी, उतने महीने का हमें इंटरेस्ट पे करेगी। नाउ कैलकुलेट, 6 × 6, 6 × 12, these two zeros will be cancelled by these two zeros. अब ये 2 बचा, 2 × 2, 9 cancel out करेंगे, 2 × 4 = 8, decimal लगा दिया, 2 × 5 = 10, 4.5, 4.5 को इस 1000 से multiply करेंगे, तो 4500 हो जाएगा, this amount will come. Now, साल के एंड में क्या करते हैं? हर चीज हम PL account पे transfer कर देते हैं. So next entry में profit loss account debit होगा to interest on successful loan account. प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन साक्षी लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दिस इज हाउ वील प्रिपेयर द जर्नल। आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? स्टार्ट कहां से करते हैं? मैंने बताया था साक्षी लोन अकाउंट जो है वो हमारा क्या है? रिमेंबर, साक्षी लोन अकाउंट क्या है हमारे लिए? एनीवन? लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है? क्रेडिट साइड से। तो यहाँ क्रेडिट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। हमने बाय बैंक अकाउंट स्टार्ट किया ऑन October 1st, 2020। फर्म ने लोन लिया था, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, 1,00,000 रुपीज का लोन लिया। जब ईयर हमारा एंड हुआ ऑन 31st March 2021, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने इस पर इंटरेस्ट एड किया 4,500 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट एड हो गया। What is the total now? 1,00,000 + 4,500 = 1,04,500. ये हमारा टोटल हो गया। And the total of both the sides must be equal. दो साइड के इक्वल हो चाहिए, जबकि यार डेबिट साइड में कुछ नहीं है। So हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। अपने पास से एक फिगर ले आएंगे टू मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इक्वल। कितनी फिगर लेकर आए? यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो हमने सेम फिगर जो टोटल में थी यहाँ पर पुट कर दी, 1,04,500। मीन्स कि अब हमारा बैलेंस ये है, जो बैलेंस पहले यहाँ पर 1,00,000 रुपीज था, हमारे लोन अकाउंट में केवल 1,00,000 था, वो बढ़कर 1,04,500 हो गया। अब जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा नेक्स्ट, यहाँ पर जो स्टार्ट होगा, इसको नीचे लेकर आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, इस जगह हमारी नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा, डेट यहाँ पर आ जाएगी April 1, 2021। ये हमारी नेक्स्ट डेट है। अगला अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा? अप्रैल में, 1st of April को। हमने लिखा April 1, 2021। April 1 को नेक्स्ट बैलेंस हमारा अब रहा 1,04,500। अब नेक्स्ट ईयर का इसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन द सेम थिंग, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। और ये एंट्री कब आएगी? ये आएगी मार्च 31st, 2022 में। यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। और कितना आएगा आपके से? पूरे साल का होगा तो 9,000 होगा। आपके से ये ऐड करके हम शो करेंगे। इस तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इस साल 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया। क्यों किया? क्योंकि अक्टूबर में लोन लिया था और ईयर के एंड तक 6 महीने हुए थे। नेक्स्ट ईयर से पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, until and unless the loan is being paid off by the firm. Thank you and have a nice day. Hope you all have understood. अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको PDF में नोट्स वगैरह चाहिए, then mail us expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day.